आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डाउटनेट पर। आज अपने इस वीडियो में एक नया प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है, कॉकरोच के मुखांग में मैंडिबल को हटा देने से क्या होगा। देखिए किसके बारे में बात की जा रही है, कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच में क्या हटाना है, हमें क्या हटाना है कॉकरोच में, हमें मैंडिबल को हटाना, तो उससे क्या होगा, क्या उससे होता है। देखिए कॉकरोच की बात अगर की जाए, अगर हम कॉकरोच की बात यहाँ पे हो रही है, कॉकरोच जिसे हम तिल चिट्टा भी कहते हैं, इसमें मैंडिबल का क्या काम होता है पहले ये जानते हैं कि जो भी मैंडिबल का काम ही क्या है कॉकरोच के अंदर, पहले इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंडिबल, अगर मैंडिबल की कॉकरोचों में बात की जाती है, अगर मैंडिबल की कॉकरोच में बात करें तो मैंडिबल का काम क्या होता है, मैंडिबल क्या है कॉकरोच में, दांत की तरह काम करते हैं। क्यों दांत की तरह, किस तरीके से काम करते हैं, इनका काम होता है कुटाई करना, दांत की तरह काम करना इनका काम होता है, कुटाई एवं पिसाई करना। मतलब जो कॉकरोच कहाँ खा रहा है उसकी क्या करेंगे, तो ये कुटाई करेंगे, क्या करेंगे तो ये कुटाई करेंगे या कटाई करेंगे। एक तो पहले क्या करेंगे, उसकी कटाई करेंगे और कटाई करने के बाद क्या करेंगे, उसे पीसते हैं, क्या करते हैं वह पिसाई करेंगे, क्या करते हैं पिसाई। मतलब दो कार्य मैंडिबल पे डिपेंड रहते हैं, एक तरीके से मैंडिबल किस तरीके से काम करते हैं, दांत की तरह काम करते हैं, इसमें कटाई भी होती है और क्या होती है पिसाई भी होती है। अगर कॉकरोच का आप देखोगे तो जैसे इंसानों में दांत कहा जाता है, ऐसी कॉकरोच में दांतों को मैंडिबल्स कहा जाता है, और क्या काम है हमने वो जाना। अगर अपने ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, भोजन, केवल भोजन की पिसाई प्रभावित होगी, नहीं, देखिए पिसाई के साथ साथ कटाई भी उसकी प्रभावित होती है, अभी मैंने आपको बताई ये बात, हमने अभी डिस्कस करी है, तो ये हमारा आंसर नहीं होने का। दूसरा ऑप्शन देखा, केवल भोजन की कटाई टूटना प्रभावित होगा, नहीं, कटाई के साथ पिसाई भी प्रभावित होती है, दोनों एक साथ ही प्रभावित होंगी, कटाई एवं पिसाई, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, भोजन की कटाई व पिसाई नहीं होगी, जी हाँ भोजन की कटाई और पिसाई दोनों ही क्या होंगी, नहीं होने की, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा उत्तर है, यही हमारा क्या कहलाया जाएगा, यही हमारा आंसर कहलाया जाएगा कि भैया भोजन है ना तो उसकी कटाई होने की, ना उसकी क्या होने की, ना उसकी पिसाई होने की, तो हमारा सही उत्तर क्या कहलाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर कहलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी रखा, भोजन के काटने व चबाने पर कोई प्रभाव नहीं होगा। देखिए ये ऑप्शन गलत है, प्रभाव क्यों नहीं होगा ऐसा, ये तो गलत है बिल्कुल, ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा सही उत्तर हमें पता चल चुका है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा सही उत्तर है। देखिए एनसीईआरटी में इतनी ही चीजें एक्सप्लेन कर रखी है, उन्होंने यहाँ पे इस चीज को अच्छी तरीके से जाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें अब आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, हमें आंसर मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE, वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।